What is up guys? कैसे हो आप लोग? Today is a Saturday and we are heading out for a short spin. हर बार की तरह कुछ ज़्यादा decided है नहीं. अभी मेरा plan है पंकज से मिलने का. He by the way owns a 850 GSA and he has well travelled throughout the country. Almost पूरी country नापी हुई है उसने. So I thought I'll catch up with him. अगर दिल हुआ सिस्सु साइड पे ट्रैफिक नहीं हुआ तो वहाँ तक जाएंगे, नहीं तो आसपास कुछ छोटी मोटी जगहें एक्सप्लोर करेंगे. बाकी थोड़ी बहुत राइड करने का ही इंटेंशन है आज, क्योंकि वीकेंड है. सो दैट इज़ वॉट वी आर डूइंग. अभी वी हैव जस्ट लूप द चेन एंड एवरीथिंग लुक्स परफेक्ट. बाइक इज़ थोड़ी सी गंदी, मैंने कवर मंगवाया हुआ है तो पूरी डस्ट वस्ट वाला सिनेरियो ख़त्म हो जाएगा जब कवर आ जाएगा. एक दो दिन में आ जाना चाहिए. एंड बड़े दिनों बाद मैंने अपने ब्लू गॉगल्स वापस निकाले हैं, तो ब्लू इज़ बैक. डिकैथलॉन ब्लू. एकदम मक्खन फील हो रही है बाइक चेन ल्यूब होने के बाद. जगह ही नहीं देने को रेडी हो रहा भाई. सो आज हम जाएंगे नीचे वाले रास्ते से. इसमें है थोड़ी सी फिसलन. क्या फालतू कीचड़ है भाई. ये वाला ब्रिज है जो बन जाएगा तो क्रॉस करना विल बी सच एन इजी टास्क. इस ब्रिज का ये सीन है भाई, ये देख लो, है ना व्यू. लेफ्ट राइट देखने में भी ऐसा लगता है हवा में लटके हुए हैं लिटरली. आ गए. ये है अपनी GS. बस जी बढ़िया. उतारूं हेलमेट के चलेंगे अभी. बढ़िया जी बढ़िया. राइडर्स इन कैसा है? मैंने गया नहीं. राइडर्स इन चल रहे हैं पर वो तो सारा रोड पे ही है. चलते हैं जहाँ तक जाएगी देखेंगे उनकी कॉटेज. थोड़ा सा तो सोच लो. वहीं चलते हैं अभी. यहाँ से अभी स्टॉप मारेंगे अभी हम वहाँ पर चलेंगे नेहरू कुंड. हैं नेहरू कुंड. चलो नेहरू कुंड पे डिसाइड करते हैं. चलो देख रहे हो ना, मतलब कुछ आइडिया वाइडिया है नहीं जाना कहाँ है. राइडर्स इन जाना है, सोलांग जाना है, ऊपर जाना है, सिस्सू अटल टनल क्या करना है मुझे नहीं पता. बढ़िया ही है, बाइक चला रहे हैं बस. अपना मनाली आके ना ऐसी फीलिंग आती है स्पेशली इन टूरिस्टी सीजन कि दिल्ली में पहाड़गंज में घूम रहे हो, फिरंगी घूम रहे होते हैं, चकाचक भीड़ होती है, नॉट इवन अ प्लेस टू पार्क योर व्हीकल प्रॉपरली. गाड़ी में आया हो तो भूल ही जाओ यार. फ्राइडे सैटरडे संडे येस्टरडे आई वॉज हेयर विथ फैमिली एंड इसुजू पार्क करने की जगह ही नहीं मिल रही थी. जो डेजिग्नेटेड बढ़िया पार्किंग्स पेड पार्किंग्स बनी हैं वो चार पाँच हैं शायद, वो भी पूरी की पूरी फुल. रोड पर भी जगह नहीं. लिटरली ऐसी हालत हो गई थी कि यार क्यों ही आया मैं. विंड स्क्रीन आई थिंक नीचे ही कर लेनी चाहिए हमें. कोई हम फास्ट टूरिंग तो कर नहीं रहे आज. GS थे उदा इनॉर्मस साइज ह्यूज है यार. भुड़भुड़ भुड़भुड़ भुड़भुड़. यहाँ पे रुक गए हैं. भाई को कोई दोस्त मिला है अपना तो बातचीत हो रही है. देख रहे हो मतलब अभी ना ये जो ट्रैफिक आपको दिख रहा है ये पीक ट्रैफिक के आसपास भी नहीं है, क्योंकि अभी जो लैंडस्लाइड्स वाली न्यूज़ आई थी ना उसके कारण बहुत सारे लोग ने अपना प्लान ही कैंसिल कर दिया आने का. दिल्ली वाले थार वाले ने तो ऐसे निकाल लिया सबको. रोड पे इसने खाना है, इतनी जोश में निकाल रहा है भाई. ये एक बहुत बढ़िया काम किया इन्होंने. यहाँ पे इस टर्न पे एक बहुत बड़ा घर होता था जिसके कोना ऐसे ना बाहर निकला होता था, उसको उन्होंने डिमोलिश कर दिया. तो भाई कहाँ चलने का है अपने को? ओके यहाँ नहीं आया मैं कभी. सो राइट नाउ वी हैव स्टॉप्ड एट दिस प्लेस जहाँ से रोहतांग का असेंट स्टार्ट होता है. एंड प्लान अभी ये है कि यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली मोमोज वगैरह खाएंगे. नदी में जो फ्लो है वो देखो आप, नदी का फ्लो कितना तगड़ा फ्लो है. ये वाला बैग कौन सा है? ये मेरे को बैग अच्छा लग रहा है. राइडर का घटिया चीज है ये. टांगा बांधा कैसे हुआ है? ये रोते तो लॉक इसके ऊपर निकल गए थे वो. अच्छा. मैंने इसको यहाँ से पीछे करके नहीं, इसकी स्ट्रैप्स नहीं आती कोई ऐसे इसके ऊपर बनाने वाली. निकल जाते हैं ये. कितने का? 2000 भी नहीं होगा. इतने का 1500 2016 में लिया ही है. उस टाइम तो मेरे पास वो थे हिमालयन. अच्छा तो
ये मैंने बिल्कुल रफ यूज के लिए रखा हुआ है बारिश वो हाँ वही ना मतलब जो इजी एक्सेस में सामान चाहिए जैसे आज आपने गियर वेयर नहीं पहना ऑक्सफोर्ड यूज करता हूँ मैं वो फिर थोड़ा सा 12-10 हज़ार रुपए खर्चे भाई थोड़ी दर्द होती है ऑक्सफोर्ड वाला जो स्ट्रैप वाला यहाँ पे आता है इधर टैंक पे ये फ्लैट थी ऐसे अच्छा ये मैंने काट अच्छा एक खुद करी है खुद काटी है जिससे मतलब सीट हाइट थोड़ी नीचे हो जाए और ये पैग्स इसके साथ स्टॉक थे सब साथ स्टॉक मेरे वाले में बड़े पतले पैग्स हैं यार इसकी चौड़ाई उतनी नहीं है इस पे एक्चुअली रबड़ भी लगा हुआ था तो मैंने अभी रबड़ निकलवाया है इसका क्योंकि रबड़ पे ना यूं ही ऐसे नाचता है पैर साला खड़े होते ये पैनियर फ्रेम तो जाना का है इसमें मैं एक वो ये को दूसरा लगाना पड़ेगा मेरे को पैनियर लगाना ही नहीं है आप पैनियर यूज करते हो क्या प्रॉपर बड़े वाले मैं सोच रहा हूँ सॉफ्ट बैग्स एक डर्ट सैक का आता है कोड 30 मैंने देखा है अभी अगर आपने देखा हो मुझे नहीं पता 18,500 का है पेयर प्लेट लगती है नायलॉन की उसके ऊपर माउंट होता है वो बिल्कुल क्रेगा और उसका कॉपी है क्रेगा एंड कौन सा है दूसरा एक मॉस्को मोटो हाँ मॉस्को मोटो का कॉपी है क्रेगा और जीवी 70,000 मॉस्को विद इम्पोर्ट ड्यूटी 1,20,000 सेम कैपेसिटी सोच रहा हूँ डर्ट सैक ट्राई करते हैं कैसा रहता है 20,000 में क्या जा रहा है मतलब अगर दो साल भी चल गया फिर चेंज कर लो क्या ये जो विंडस्क्रीन की हाइट नॉर्मली देखी जाए जीएस की कोई खास है नहीं ऊंची अगर आप देखने में ऐसी ऊंची नहीं लगती नहीं आता नहीं आता बट फिर भी विंड ब्लास्ट नहीं आता अब उसकी हाइट देखो ना जैसे उसकी थोड़ी सी ऊंची है टांगी भी बजेगी ना टाइगर के अंदर ही खत्म होगी हाँ इसमें ऐसा लगता है कि बंदा बिल्कुल सेट हो गया विंड ब्लास्ट से पूरा ही बज गई पैर भी बच गए एंड यहाँ पे हम लोगों ने अभी थोड़ा बहुत मोमोज वगैरह खाया है बर्गर वगैरह खाया है एंड पीछे का व्यू देखो कितना बढ़िया आ रहा है मज़ेदार आवाज़ आई थिंक बहुत ज़्यादा अच्छी आनी रही होगी क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा है ओल्ड मनाली से अंदर वाले रास्ते चलते हैं थोड़ा यहाँ पे बैठ के बातें शातें हो गई जैसा आप लोग देख रहे थे मोमोज वोमोज खा लिए बाइक विल स्टार्ट इन रोड मोड सो ये है हमारा बढ़िया सा व्यू दिस इज What we call as a मज़ेदार ride. अब ये रास्ता हम लोगों ने सिर्फ इसलिए लिया है कि हाईवे से बार बार जाके क्या बोर होना इतना ज़्यादा ट्रक्स और बसेस चलती हैं उस पर नाइस ओके ये हमारी पहाड़ों की यूरोपियन रोड्स ये है मेंटोस जिंदगी दिस असेट टू ओल्ड मनाली ऑन दिस रोड आई हैव नेवर कम दिस फार दिस गोइंग टू द एंड राइट एंड दिस इज क्वाइट अ स्टीप असेंट आई डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स हैव बीन डिसेबल्ड ऑन द बाइक OCABS व्हाट इज दैट गाइस बाइक कहां पहुंच गए लाइक आई वाज थिंकिंग आई थिंक आई मिस्ड अ टर्न पंकज वाज समवेयर डाउन कहीं पे रुका हुआ था वो मेरे को दिखाई नहीं वो अच्छा यहाँ से वापस कैसे आएगी ओ भाई ये कौन सा रेस्टोरेंट का तरीका है सो आई वाज थिंकिंग कि हम लोग यहाँ पे कुछ खाएंगे पिएंगे पर हमने यहाँ पे सिर्फ बाइक पार्क करी है एक एनिमा साइकिल कौन सी है आपके पास मैं आपको देखता रहा साइकिल चलाता हूँ स्कॉट है मैं भी सोच रहा हूँ एक ले लूँ यार साइकिल माउंटेन बाइक यहाँ पे तो सही है जैसे छोटा मोटा जैसे वाटरफॉल वगैरह पे जा रहे होते हैं ये हिमालयन ट्रेल्स यार यहाँ पे जो भिरगू लेक ट्रैक लिखा है ये मेरे को करना है भिरगू लेक जो ट्रैक है हाँ जी ये कितने दिन का मतलब लिखा है ना 2 nights 3 days हाँ कैसा है कर सकते हैं फैमिली के साथ है कि ज्यादा डिफिकल्ट इसीलिए फर्स्ट टाइम ट्रैकर्स मतलब 2 nights 3 days तो कब है सीजन इसका करने का इसका रहता है आपका फर्स्ट ऑफ जून अक्टूबर तक मतलब अभी है सीजन अगस्त में कर सकते हैं A few moments later. चलो जी ठीक है सर ओके आइए टेक केयर मिलते हैं ठीक है हाँ फिर कल मिलते हैं इन 7 और 8 ट्रैक में से आपने कितने करे हैं ये यार मेरे को समझ नहीं आता भाई मेरे ब्लॉग ही नहीं होती मेरे नहीं बताओ बताओ एक भी नहीं किया बताओ हैं ये नहीं होता हिमालयन मंकी दोनों बाइक्स यहाँ खड़ी हैं अब टाइम हुआ है अराउंड 4 सो 4:45 वी शुड बी बैक होम दीज आर द मोटरसाइकिल्स फॉर यू ये मैं रुकना जरा ऐसे कैसे नहीं हो रही रुको जरा हो गया सेम तरीके से आपने वो लेके ना हैं एक सेकंड छोड़ना जरा गियर तो नहीं लगा ना एक सेकंड छोड़ो इसका वेट गंदा सा है ना इसका वेट हाँ है फर्क फर्क तो है भाई साहब
वो हल्की थी भाई, बहुत फर्क है ना ये। अभी तो ये प्लेन है, फिर भी आगे आप निकाल दो। चलो भाई, ओ मर्सरी रुक जा यार, लाल मर्सरी, नाइस। सो ये वाला जो ब्रिज है ना, इसके नीचे पानी का फ्लो हमेशा ही बहुत बढ़िया होता है। एंड वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस टू सिट इज, आई एम नॉट श्योर इफ यू कैन सी दिस, वो जो रेस्टोरेंट बनाया ना जस्ट बाय द रिवर, पानी की बढ़िया आवाज़ आती है एंड फन आता है बैठने में, प्रॉपर बैठे रहो, ठंडा ठंडा लगता रहता है, खाना बढ़िया आता रहता है गर्मा गर्म। यही थी आज की राइड। जैसा आपने देखा, घर से निकलते समय कोई प्लान नहीं था, मोस्ट ऑफ आर राइड टुडे वॉज के यहाँ चल के बैठते हैं, उधर चल के बैठते हैं, उधर चल के ये खाते हैं, फुल फन टू सोशलाइजिंग राइड। आई होप यू लाइक दिस टाइप ऑफ वीडियो टुडे, क्योंकि यहाँ पे मैं काफ़ी सारी ऐसी राइड्स भी करूँगा जिसमें लोगों से मिलेंगे, लोगों से बातें करेंगे, एंड यही है फन यार इस जगह का। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन, बाय।